हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मैगी पकौड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर शायद आपने ये ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले मैं मैगी बना लूँगी। उसके लिए तो पानी है हमारा बॉयल हो चुका है, एक गिलास पानी लिया था मैंने। और अब इसमें मैं मैगी डालूँगी, छोटा पैकेट है मैगी का, तो इसलिए मैंने 5 लिया है। को डाल लेंगे। और ये जो मैगी मसाला है उसको 4 ही पैकेट में डाल रही हूँ। एक पैकेट हम पकौड़े बनाते टाइम डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और मैगी को बना लेते हैं पहले। ये देखिए गाइस, मैगी हमारी रेडी हो गई है। इसे हमें थोड़ा ओवर कुक ही करना होता है। तो ये रेडी हो गई है, अब हम पकौड़े बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गाइज, अब हम पकौड़े बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैगी इसमें डाल लूँगी। तो अब गाइज, इसमें एक कटोरी बेसन डाल लेंगे। और अब हम इसमें ये अनियंस डाल देंगे, प्याज। तो ये 2 प्याज हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसमें एक कटोरी पत्ता गोभी डाल दूंगी, जिसको बारीक काट लिया है। अब इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, थोड़ी सी डालेंगे बस। अब इसमें गाजर, एक गाजर लिया है मैंने जिसको बारीक काट लिया है, वो भी डाल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच, या स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। अब एक पैकेट जो हमने मैगी मसाला बचाया हुआ था वो डाल लेंगे। अब इसमें हम गाइस 1 छोटी कटोरी चावल का आटा डाल लेंगे, राइस फ्लावर, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो गाइस, तेल हमारा गरम हो चुका है, मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के चेक किया है। तो अब हम इसमें पकौड़े डाल लेते हैं। देखिए गाइस, पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, पकौड़े हमारे दोनों साइड से अच्छे तरीके से लाल हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, पकौड़ों की प्लेटिंग मैंने कर दी और इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रंची बनी है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।